वार्ड नंबर 54 के और वार्ड नंबर 60 के लोगों के लिए खुशखबरी, अब बरसात के महीने में पानी जमने से मिलेगी निजात। अंजुमन रोड से एबीसी बोस रोड कनेक्टर तक केएमसी की ओर से पाइप बैठाने का काम हुआ शुरू। वार्ड नंबर 54 के अंजुमन रोड, बड़ी मस्जिद, नूर अली लेन, टाटी बगान लेन वगैरह को लोगों को अब बरसात के महीने में पानी जमने से निजात मिलने जा रही है, क्योंकि अब यहां पर वाटर लॉगिंग ना हो इसके लिए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से अंडरग्राउंड पाइप बैठाने का काम शुरू हो गया है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 54 के काउंसलर और मेंबर मेयर इन काउंसिल अमीरुद्दीन बॉबी ने बताया कि इस काम के लिए कोलकाता कॉर्पोरेशन ने कुल 80 लाख का फंड अलॉट किया है और इस काम से वार्ड नंबर 54 और वार्ड नंबर 7 दोनों एरिया के निवासियों के लिए आने वाले दिन में राहत मिलेगी। अमीरुद्दीन बॉबी के हाथों आज इस काम का शिलान्यास भी किया गया और उम्मीद है कि कुछ महीने में ही इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। देखिए, मेयर साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि अंजुमन रोड से लेके, अंजुमन रोड मेरा वार्ड में पड़ता है, रास्ता मेरा वार्ड में पड़ता है और ये वाला 60 वार्ड में पड़ता है, मगर मेयर साहब से हमने 5 साल से रब्ता कर रहे थे। ये 80 लाख रुपए का फाइल मेयर साहब ने और ड्रेनेज के MIC तारक सिंह ने ये सेंशन किया। खलील साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उनको मैंने मैसेज कर बोल कर ये फंड अलॉटमेंट कराया, जो कि 80 लाख रुपए का ये सेंशन है, जो उस इलाके में पानी का बहुत किल्लत जम जाता था, अंजुमन रोड, बड़ी मस्जिद, नूर अली लेन, ताती बगा, हाजी लेन, ये जगह में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था। अब ये इंशाल्लाह मेरी ये पूरी उम्मीद है कि पानी का मसला हल हो जाएगा। ड्रेनेज जब बरसात में पानी जमता है वो पानी नहीं जमने के बराबर, जमेगा 2-3 घंटा में निकल जाएगा। कितना दिनों तक ये काम चलता रहेगा? ये स्कूल फ्राइंग एंथोनी स्कूल है, सारा स्कूल का ये, अभी स्कूल की छुट्टी है और छुट्टी के वजह से हमारे प्रवीरदा यहाँ के ट्रैफिक OC हैं, उनका बहुत कॉपरेशन रहा, वो यहाँ आकर मुझको बोले कि बॉबी भाई स्कूल का वक्त में, स्कूल खुलने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। मैंने उनसे बोला है और ड्रेनेज डिपार्टमेंट KMC के जो ऑफिसर्स हैं और जो कॉन्ट्रेक्टर है उससे भी रिक्वेस्ट किए हैं कि ये स्कूल से पहले ये मामला तय हो जाए, उसके बाद अंदर में काम धीरे धीरे चले। तो ट्रैफिक OC प्रवीरदा जो हैं वो, उनका बहुत अहम रोल है यहाँ पर, ही उनका मदद की ज़रूरत है और वो कर भी रहे हैं। जब भी मैंने बात किया, जब भी बोला, उन्होंने हाजिर होकर खुद यहाँ आए ओपनिंग करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये काम में सबकी हेल्प की ज़रूरत है। जो लोग स्टूडेंट हैं यहाँ से स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके ये हैं, उन लोगों की भी मदद की ज़रूरत है। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि 15 तारीख से पहले इंशाल्लाह ये वाला रास्ता जो है मैं चालू कर दूंगा, जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ये किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, ये आपको सेंशन यहाँ से लेके आपको अंजुमन रोड, ताजीमान, बड़ी मस्जिद तक जो है ये मामला ड्रेनेज का काम होगा। मतलब 200 मीटर में बोल सकते हैं, ये कितना मीटर है वो देखना पड़ेगा, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है। खान साहब आइए। तो ये इस तरह का काम जो है, ये ड्रेनेज बहुत बड़ा ये मामला है और ये फिराद हकीम का ही ये है कि उन्होंने ये फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको सेंशन कराया। 80 लाख रुपया उन्होंने देकर यहाँ पर ही का काम, यहाँ के इलाके के आदमियों को, 54 नंबर वार्ड के पब्लिक को ये फ़ायदा पहुँचने का रास्ता है। इससे पहले मैंने मैक्सिमम जगह में हमारा काम हो चुका था, जो कि ये AJC बोसोट से ये लिंकअप है, हमारा जोड़ा गिरजा का काम हुआ है, सर सैयद अहमद रोड, नूर अली लेन, ताती बगान लेन, ताती बगान रोड, सारा जगह का काम हुआ है, सर सैयद अहमद रोड, सुरेश सरकार रोड, इंटाली वहाँ इलाके में भी हुआ, मगर ये कनेक्शन जो है ये नहीं था, ये कनेक्शन हो गया है। अब इंशाल्लाह हमारा जो पानी जमता है वो पानी का बहुत सारा मसला हल हो जाएगा।